बात करते हैं, फिर एक एक जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है जो अब तक के रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बड़ी जानकारी है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, आंध्र प्रदेश के इंचार्ज हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से ये मीटिंग हुई है, इंचार्ज हैं आंध्र प्रदेश के सिद्धार्थनाथ सिंह। और साथ ही साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी हर एक पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती नजर आ रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, जब टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, क्योंकि आंध्र प्रदेश के इंचार्ज हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया था टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को, उसके बाद खबर यह भी आई कि अमित शाह ने भी उनसे बातचीत की है और अब सिद्धार्थनाथ उनसे मिले हैं जाकर। और एक बड़ी खबर यूपी से, इकरा हसन 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। सहारनपुर से खबर, कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी लीड लगातार बरकरार किए हुए हैं, लगभग 89,000 वोटों से भी आगे चल रहे हैं। कैराना में एसपी की इकरा हसन इस वक्त आगे चल रही है, इकरा हसन 73,000 से ज्यादा की लीड बनाए हुए हैं। शुरुआत उन्होंने 80 से 82 वोटों की लीड से की थी, अब बढ़ते बढ़ते देखिए 73,000 के पार पहुंच गई। इमरान मसूद 89,000 के पार पहुंच गए। कैराना में एसपी की इकरा हसन आगे हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे हैं, बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, वहां से चुनाव लड़े और पोस्टल बैलेट के वक्त से ही वो आगे चल रहे हैं और उस लीड के मार्जिन को बढ़ाते जा रहे हैं। इकरा हसन कभी पीछे हुई कभी आगे हुई, बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही थी, लेकिन अब एक बड़े मार्जिन से इकरा हसन आगे हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं कैराना से और 73,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही है। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी।